दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि यूटीआई से अगर आप पैन कार्ड बनाते हो, चाहे वो आप पीसीए पोर्टल से बनाते हो या किसी भी कंपनी के यूटीआई पोर्टल से अगर आप पैन कार्ड बना रहे हैं, तो यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फ़ोटो को सिग्नेचर को रिसाइज करना। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 213x213 और 300 dpi मांगा जाता है, सिग्नेचर 600 dpi 60 KB से कम मांगा जाता है। इसी तरह PDF फाइल की बात करें तो वहाँ पर आपको 2 MB से कम की एक PDF फाइल अपलोड करने के लिए बोला जाता है। जब आप किसी भी पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, तो वहाँ पर आपकी साइज़, फ़ोटो की साइज़, PDF की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है या बहुत छोटी हो जाती है, जो अपलोड नहीं हो पाता है UTI की वेबसाइट पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप ऑनलाइन अपनी फ़ोटो सिग्नेचर PDF को रिसाइज कर सकते हैं पैन कार्ड के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी तरह का पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको UTI के पोर्टल पर जाना होगा। हर एक पोर्टल का अलग अलग तरीका होता है। ये PCA मतलब ये UTI का ऑफिशियल है, तो यहाँ पे UTI की वेबसाइट से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिलअप कराऊंगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे जो अप्लीकेशन आ चुका है, नाम और फादर्स नेम वगैरह सारी चीज़, मतलब इसका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा फोटो जो अपलोड करना है वो 300 dpi में अपलोड करना है, कलर आपको पिक्सल 213x213 और साइज 30 KB से कम होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर सिग्नेचर भी कह रहा है कि 600 dpi में सिग्नेचर होना चाहिए आपका और 60 KB से कम होना चाहिए। और PDF फाइल की बात करें तो PDF फाइल यहाँ पे आपको PDF फाइल देना होगा जिसकी KB 2 MB से कम होनी चाहिए। तो इस तरह आपको फोटो सिग्नेचर PDF को रिसाइज करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए आज बताते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ भी बता रहा है कि पैन फॉर्म ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब पैन फॉर्म जो आपका वो 2 पेज का पैन फॉर्म हो गया और एक आधार कार्ड, वो तीनों को PDF बनाना होगा। PDF बना के आपको अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ 200 KB से 2 MB से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको 213x213 300 dpi और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए बताते हैं आप किस तरह रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे एक फ्रेंड का वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत आसान तरीके से फ़ोटो सिग्नेचर और PDF को कन्वर्ट कर सकते हो और रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ गेट फोटो, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो को रिसाइज करना है। तो चलिए यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फोटो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका विथ और हाइट और dpi इसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद जैसे गेट फोटो पे क्लिक करते हैं, ये फोटो इसमें कन्वर्ट हो चुका है और नीचे में देख सकते हैं ये डाउनलोड भी हो चुका है। इसी तरह आपको सिग्नेचर भी करना हो, सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद गेट सिग्नेचर पर अपलोड क्लिक कर देंगे तो हमारा सिग्नेचर भी वो भी बन चुका है, मतलब उस साइज़ में देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर हमारा रेडी हो चुका है। अगर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको PDF बनाने के लिए दे दिया गया JPG, सो आप PDF बना सकते हैं। 3 पेज की फाइल है आपके पास, उसको 3 पेज को आप एक PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए PDF में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सिलेक्ट JPG फाइल पे क्लिक करेंगे और तीनों PDF को इस तरह आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर एक और ये फर्स्ट पेज मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप सेकेंड पेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ एक साथ आप सभी पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और फिर से थर्ड पेज ले लेंगे। तो यहाँ पे चलिए थर्ड पेज ले चुके हैं। उसके बाद ये तीनों पेज हमारा आ चुका है। नीचे आएंगे, कन्वर्ट टू PDF क्लिक करेंगे। ये जो है तीनों फाइल के हमें एक PDF बना के दे दिया गया है। यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, ये हमारा PDF बन के रेडी हो चुका है। अब इसे अपलोड कर दें। फोटो सिग्नेचर तो आपका वहाँ से रेडी हो चुका है। और अगर PDF आपने बनाए, PDF की साइज अगर 2 MB से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। इस वेबसाइट से आप PDF को भी छोटा कर सकते हैं, PDF की साइज़ कम कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, उस PDF फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उस PDF फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी साइज़ को कम करना सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम हाइस्ट लो क्वालिटी कर सकते हैं। और यहाँ पर रिजोल्यूशन आप कम कर सकते हैं, जैसे अभी 150 था तो इसे हम 72 dpi कर देते। उसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी साइज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगी। साथ साथ यहीं से आप PDF में एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं, PDF को रोटेज कर सकते हैं, PDF को क्रॉप भी कर सकते। तो चलिए ये सारा चीज़ करने के बाद कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो PDF की साइज़ है वो कम हो जाएगी। ये देखिए ये अपलोडिंग हो रही है, हमारी फाइल जाएगा।
उसके बाद आपका पीडीएफ फाइल जो फॉर्म की थी वो रिसाइज हो चुकी है, फ़ोटो रिसाइज हो चुकी है, सिग्नेचर आपकी रिसाइज हो चुकी है। अब यहाँ पे चलिए अपलोड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को अपलोड करेंगे, जिसके लिए चॉइस फाइल पे क्लिक करके फॉर्म को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, फ़ोटो को, तीनों को यहाँ पे एक साथ अपलोड कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों चीज़ को अपलोड कर चुका जो मैंने अभी रिसाइज किया था। उसके बाद ये नीचे में अपलोड बटन है, अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन अपलोड हो चुका। डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन इतना तो हमारा अपलोड हो चुका है। इस एप्लीकेशन हम लोग कॉपी करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के स्टेटस चेक करने के लिए ट्रैक पैन पे क्लिक करेंगे, फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करेंगे डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन पेमेंट इज अंडर वेरीफिकेशन। अब मेरा पेमेंट भी अंडर वेरीफिकेशन में चले गया है, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। पैन कार्ड की रिसिप्ट आप प्रिंट करके कस्टमर को देना होगा। पैन कार्ड की रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू पैन पाएंगे, नीचे में यहाँ पे मिल जाता है रिसिप्ट फॉर पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाए, एप्लीकेशन नंबर देंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह आपका दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे, आपका रसीद यहाँ पे डाउनलोड करके दे दिया जाता है। प्रिंट पर क्लिक करके आप रसीद प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।